नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंपनी का ई इनवॉइस सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन हमें किस प्रकार से करना होता है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें ये बात बोली गई थी कि 1 अप्रैल 2022 से उन कंपनियों के लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा जिन कंपनियों की फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक, यानी कि इन 5 सालों में किसी भी एक साल के अंदर भी अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा की रही है तो आपको 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा अपने रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए, यानी कि B2B सप्लाई के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इनवॉइस के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें API के लिए यूज़र ID और पासवर्ड हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट किसी भी बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सारे अगर हमें डायरेक्ट पोर्टल पर ई इनवॉइस बनाना पड़े तो उसके लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना होगा, और उसका हम JSON फाइल किस तरीके से रेडी कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको बल्क में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, सारी बातें दोस्तों आपके साथ हम प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी टाइप के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन के लिए ये बात देखनी होगी कि हमारा जो GST नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या हमें रजिस्टर्ड उसको करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो ई इनवॉइस का जो पोर्टल है, यानी कि उसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है, उस पर आपको विजिट करना होगा einvoice1.gst.gov.in पे। और उसके बाद आपके को सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, और इसमें आपको करना होगा पोर्टल लॉगिन पर क्लिक। तो जैसे हम पोर्टल पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी कंपनी का ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का GST नंबर देना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड दे के और गो पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपकी कंपनी ऑलरेडी ई बिल वगैरह जनरेट करती है तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा भी यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हो ई इनवॉइस सिस्टम के लिए। अब उसके बाद की जो हमारी प्रक्रिया रहने वाली है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको पता है भी पोर्टल पर लॉगिन आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसके बाद में आपको ई इनवॉइस इनेबलमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि जैसे हम इस ई इनवॉइस इनेबलमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 ये 5 फाइनेंशियल ईयर आपके सामने ओपन होंगे, और आपको वहां पर वो डिटेल देनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो 20 करोड़ की टर्नओवर है वो ज्यादा रही है। मान लीजिए आपकी 17-18 में भी 20 करोड़ की थी, 19-20 में थी, 20-21 में भी थी, तो आप किसी भी फाइनेंशियल जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का उसमें आप क्लिक करके और टर्नओवर वहां पे आप 20 लिख दोगे, और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपको करना क्या पड़ेगा, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। एक बार आप अपना जो ईवी बिल जनरेट करते हो वो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपके डाल के रखें, अगर आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना फॉरगेट यूज़र नेम पर जाके आप इसको रीसेट कर सकते हो, और पासवर्ड को भी फॉरगेट पासवर्ड पर जाके इसको रीसेट कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही हम इसके प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आपको मैं कुछ जैसे हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, और जस्ट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे भी कॉन्टैक्ट ऑफ टेक्निकल पर्सन, आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए पूछा जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको एग्जिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस एग्जिट पर क्लिक कर देंगे तो एग्जिट क्लिक करने के बाद हम इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, और इस डैशबोर्ड पर आने के बाद में कुछ इस तरीके के साइड में हमें ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले API का रजिस्ट्रेशन है जो करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इस API रजिस्ट्रेशन के उस ड्रॉप डाउन पर हम इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में
हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसके बाद में यूजर क्रेडेंशियल के अंदर क्रिएट एपीआई यूजर, फ्रीज एपीआई यूजर, चेंज एपीआई पासवर्ड, लिस्ट ऑफ एपीआई यूजर्स की। तो हमें फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट कर रहे हो एपीआई, तो आपको क्रिएट एपीआई के यूजर पर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर आपके सामने वो सारा डाटा रहेगा डैशबोर्ड का भी, आपने टोटल ई इनवॉइस है जो कितने जनरेट कर दिए, आपने ड्यूरिंग मंथ कितने जनरेशन किए हैं, टोटल आपने कैंसिल कितने किए, सारी विंडो आपके सामने यहाँ पर मिलती रहेगी। क्योंकि फिलहाल मैंने अभी तो कुछ किया नहीं है, तो ये सारा डाटा मेरा 00 ही शो करेगा। जैसे आप ई इनवॉइस बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पर शो करता रहेगा। और उसके बाद हमें एपीआई यूजर आईडी हमें क्रिएट करनी है, तो एपीआई यूजर आईडी पे हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए सबसे पहला एक जो आपका जीएसटी के अंदर आप जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उस मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप ओटीपी डालोगे, वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करने के बाद में ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, एपीआई रजिस्ट्रेशन थ्रू जीएसपी। तो इसके अंदर आपके सामने तीन ऑप्शन खुलेंगे, थ्रू जीएसपी, थ्रू ईआरपी, थ्रू क्लाइंट आईडी ऑफ अदर जीएसटी नंबर। तो आपको क्लिक करना होगा, अगर आप जीएसपी के थ्रू बना रहे हो तो थ्रू जीएसपी पे, थ्रू जीएसपी पे हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम है जो वो आपको बना लेना है, उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे देना है, और उसके बाद में री इंटर के अंदर भी आपको यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जैसे हम पासवर्ड करके सबमिट करेंगे, तो उससे पहले आपके सामने जैसे हम थ्रू जीएसपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन यहाँ पे ऊपर नीचे करके भी देख सकते हो, और काफ़ी सारी कंपनी है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इनको अटैच करवा के और डायरेक्ट ई इनवॉइस है जो जनरेट करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पे किसी एक जीएसपी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो भी आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाके मैनुअल रूप से डाटा फिलअप नहीं करना चाहते हो तो उसके बाद में ये सारा हमारा एपीआई यूजर आईडी सारा क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद के अंदर हमारा आप इसको फ्रीज एपीआई यूजर कर सकते हो भी, आप लॉक कर सकते हो। उसके बाद आप लिस्ट ऑफ एपीआई यूजर देख सकते हो भी, आपने कौन कौन से एपीआई सर्विस ले रखी है एपीआई यूजर की, तो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद में जो हमारी बारी आती है भी, अगर हमें ये तो था हमारा ऑनलाइन के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। अब मान लीजिए आप चाहते हो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आप किसी भी जीएसपी को नहीं लेना चाहते, आप डायरेक्ट जेएसएन फाइल तैयार करके आप अपलोड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको वापस पोर्टल पर आना होगा। और पोर्टल पे आने के बाद आपको जाना पड़ेगा हेल्प के फीचर पे, हेल्प पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा टूल्स पे, और उसके बाद में बल्क जनरेशन टूल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर टूल्स अवेलेबल है, आपको फर्स्ट टूल्स है ये डाउनलोड कर लेना है भी, ई इनवॉइस जेएसएन प्रिपरेशन के लिए फॉर्मेट है ये, क्योंकि हमारा B2B सप्लाई के लिए, SEZ सप्लाई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो इसके लिए हमें इस सीट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे हम इस सीट को डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे सामने ये जेएसएन प्रिपरेशन की फाइल है जो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, सारी सेलर की इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, आपका सेलर का जीएसटी नंबर, सेलर का जो लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, क्योंकि जो स्टार है वो सारे मैंडेटरी है, सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। और इन सभी प्रोफाइल्स की डिटेल को भी आपको यहाँ पर एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद में ई इनवॉइस के लिए आपको सारी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, आपका सप्लाई का कोड वगैरह क्या रहा है, B2B है, उसके बाद में रिवर्स चार्ज यानी कि RCM अप्लाई है या नहीं है, उसके बाद में ई कॉमर्स जीएसटी नंबर है कि नहीं है, उसका जीएसटी नंबर, उसके बाद सारी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या चीज़ है यानी कि टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, क्या चीज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल रूप से इस एक्सेल फाइल में तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप किसी मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सारा नहीं ले रहे हो तो आपको ये सारा डाटा यहाँ पर इस एक्सेल फाइल में तैयार करना पड़ेगा। और तैयार करने के बाद में ये हमारी एक सारा डाटा जैसे हम यहाँ पे इसको कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे, तो वैलिडेट करने के बाद में एक ऑप्शन हमारे को यहाँ पर दिखेगा प्रीपेयर JS1 फाइल। तो जैसे हम इसके सारा डाटा वैलिडेट हम कर देंगे, वैलिडेट हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हमारी एक JS1 फाइल है जो जनरेट हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी JS1 फाइल जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हमें पोर्टल पर जाना होगा। और पोर्टल पर जाने के बाद हमें जैसा ही हम इस पोर्टल पर जाएंगे तो इस
विंडो के अंदर हमें ई इनवॉइस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ई इनवॉइस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा बी अपलोड JSON फाइल फॉर बल्क ई इनवॉइस के लिए। तो हमें जो JSON फाइल हमारी जो एक्सेल वाली तैयार हुई है हमें उसको अटैच करके और वहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। जैसे हम अपलोड करेंगे तो ये हमारे सारे भी जितने हम ये हमने ई इनवॉइस के लिए अपलोड फाइल तैयार करी है सभी का हमारा IRN नंबर और QR कोड है जो जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टूल, यानी कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के सारे अगर हमें डायरेक्ट पोर्टल पे तैयार करना हो तो हम इस टूल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए वापस आपको इसी टूल का ऑप्शन L को सहारा लेना पड़ेगा, टूल्स पे जाना पड़ेगा और बल्क जनरेशन टूल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया जैसे आप कर लोगे तो आपका सारा डाटा जो कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर जैसे आपको मैं बताऊँगा इस ऑप्शन के अंदर जैसे हम बल्क का सारा लेंगे तो आप जिस कंपनी का ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आप टेली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आप इसके अंदर टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा भी जो हमने यूज़र आईडी पासवर्ड और यहाँ पे जो क्रिएट किए API का वो हमें हमारे टेली सॉफ्टवेयर के साथ इसको अटैच कर देना है। तो उसके बाद हमें ये जो मैनुअल रूप से JSON की जो फाइल है ये तैयार करनी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेली सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट हमारा ई इनवॉइस है जो पोर्टल पे जाके ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा, बल्क के साथ भी हो जाएगा और हम चाहें तो उसको सिंगल भी उसका हम IRN नंबर और QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।